नमस्कार शारदा रिव्यूर स्वागत करुची मुँ लिप्सा ओडिशार प्राचीन परंपरार ओडिया पाला आम ए दर्पण कार्यक्रम माननीय माननीय सज्जन मंडली बापा एथर प्रसंग को आसतु रेणुका बापा तपस्वी रेणुका स्वामी दुखर दुख भाई बापार भगवान को आश्रम चिंता करु गोटे न्याक बापा बापार थकटा रहा रेणुका प्रभु को चिंता कर आश्रम सेपटरे अनिशा भग्नी सौनिका आगे आज्ञा राजा गाधी को बहुत करते पथर ज्येष्ठा भग्नी बहुत करने चारोटी सतान जननी हो सारे किंतु अनिशा भग्नी राजा गाधी को बहुत पर सतान जननी हो पारिना मनर दुख भरी रही दुखर छायाटा ढांकी जा दिने राजा गाधी दरबार कार्य सारी राज अंतपुर को बाहरी आसवा समय अंतपुर राजाणी आज्ञा सौनिका मन दुखे बस मन मारी बस मन उणा कर बस अभिमान राजा गाधी आसी डाकदे सौनिका 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 आरे कौन है अंतपुर राजी राणी मुखर कथा आज्ञा भाषी आसुना राजाणी सौनिका बोले कुआरी सखी जनक आज्ञा संवाद नहीं पहुंचाई देखते कहे राजमा राजमाता आस पहुंची जाइए राजाणी देखिए आसतु राजा गाधी आहरी आस दरबार देखिए स्वामी आसवा कथा जाना मधे राजाणी सौनिका बापा उठिले ना राजपुर प्रवेश कर राजा गाधी डाकदे सौनिका सखी प्रियतमा कौन है अरे कथा कह प्रकाश कर कहीं आज मन मना कर बस प्रियतमा सजनी चारुचंद्रमा सखी कौन है राजा गाधी चिंता कले पत्नी मोर अभिमान मान कर पुरुष धर्म बापा पति देवता धर्म हूँ पदिया मान भंजन गाई आज्ञा पत्नी मान भंजन मात्र पदिया गाँव कवि सम्राट उपेन्द्र भंज गोटाए पद न्या रुवा डाकदे सखी रे जेम्स हूँ शुक्वा मूसा राजा गाधी आदि गेले वही राजाणी की कही प्रियतमा सखी सजनी अरे कथा कह भंज मो बापा कह राजा गाधी आदि मान भांगी पत्नी मान भाई प्रत्येक घर स्वामी पर स्त्री अभिमान करे स्त्री मानटा को आज्ञा स्वामी भांगे कि बापा मुँह कहून आप कवि सम्राट उपेन्द्र भंज कह गोटाए पद मधन कलारु ये थे, हाँ हाँ अभिमान करते कहले बुझ
जिते बुझाइले बुझुनि सी तो मा सखी कौन है प्रकाश न कले जानी कमी सखी कहीं अभिमान कर बर गूल बचे कहीं कवि सूर्य बलदेव रथ गोटाए पद कह बापा पद्य कर कथ बढ़े आग आगे कवि सूर्य बलदेव रथ गोटाए पद कह रानी मान भाग प्रियतमा सज्जनी सखी आस कहीं मन उणा कर मान कर चिंता कर भग्नी आश्रम को जाई भग्नी चार गोटी सतान से गोटाए पुत्र आम वंश भविष्य रक्षा हम ए मन उणा कर मन दुख कर खुशी कथ आनंद कथा हेलो सोनिका गोटाए कथा मन रख तुमको मात्र सात दिन समय दौत दिन भग्नी आश्रम रही भग्नी गोटाए पु नहीं आस स्वामी निकट रू विदाय राजवाट रू बापाल विदाय राजाणी सुनिका निघंस अरण्य पथ दे भग्नि रेणुका आश्रम को चली ज्ञानी जमदग्नि शेषमला ज्ञा तपस्या बसी था चारिपुत्र आश्रम निकटस्थ उद्यान मध्य आज खेलु था रेणुका तपस्वी रेणुका बापा द्वारदेश बसी था चारिपुत्र सेपटे खेलु किसी दूर अनंत दूर आज्ञा राजाणी सुनिकांकर नजर पड़ जाइए भग्नी भग्नी को देखिए खुशी भाई आज्ञा दौड़ी जाइंट भग्नी रेणुका पादर तपस्वी पादर प्रणाम कर आज केड़े मोर भाग्य दुई भूणी स्नेह ममतार बंधन
अनेक दिन पर दीर्घ बार वर्ष पर ज्येष्ठा भगिनी कनिष्ठा भगिनी को आज दर्शन करुची देखुची बोला सुनिका तू तो राजरानी मु तो तपस्विनी हटात ये राजरानी पाद केमी तपस्विनी कुड़िया पड़ा कि आसने ये तपस्वी निकट को आसीचु सब कह कह खुशी भई आनंद भई मा हिसाब रे जननी हिसाब रे आज रेणुका डाकी दला बोला रे हरिराम बलिराम नीलराम रघु तीन पुआ जो मा मा डाकिले थान पु कहीं मम्मी डाकिला धन रे देख किए आसी रे मो सान भौनी तुम मान मौसी मा ये मौसी मां पाद प्रणाम कर देख लु तुम पा भन रे जाओ तुम मैंने खेल जाओ आम दुई भाई कथा बार्ता अच्छी पा मान विदा देदे बापा चली जाऊँ उद्यान को खेल ठीक यही समय तपस्विनी रेणुका पचारे राजुराणी सोनिका को सोनिका मो पा तो देख लु मु जने ज्ञानी पत्नी हबार सौभाग्य पाई मो स्वामी बर्तमान तपस्या बस अच्छा सोनिका कह हटात तुम कथा तो कमी मन पड़ा तुम आश्रम को कौन पाई आस आशा नहीं तो बार वर्ष हेले मु तो जन तपस्वी मुझा कौन दे पार कौन मो आश्रम अच्छी मु तो आशा पूर्ण करी सोनिका कौन कौन तो कथा किसी बुझी पार गोटे पुत्र कथा आज्ञा तपस्वी रेणुका डाकिदेला सोनिका कौन कहवाक चाहु तो कोल संतान ना बोली तो वंश रक्षा करने शुणाक पाइलु मोर चार गोटी संतान कथार अच्छे सोनिका मार जिते पुओ थे केोननी पा मान मार पाखर दूरे दिए ना कथार अच्छी माँ को नंटे पुओ मालो राजराणी सोनिका जो पुओटे आसी भगनी तार तपस्वी रेणुका चिंता कला केवसी दिन मुतान को हर को चाहूनी पा मान को कभी पाखर दूरे देवा चाहूनी माँ जड़े मुमती तू आज माँ को पुत्र टे मगुच पिला पारि ना जिते चेष्टा कर राजाणी सोनिका आज भगनी ठार गोटाए पुत्र नहीं बापा वंश रक्षा करपटे तपस्वी रेणुका आज्ञा बारंबार मना कर चलिए बोले चार जन मध्य मु गोटाए सतान कतार सोनिका ठीक यही समय ज्ञानी जमदग्नि बापा तपस्या भग्न हो तपस्या सारी आसी आश्रम निकट दुई भगिनी कथा शुणिले आज ज्ञानी जमदग्नि डाकिदेले हे रेणुका ये ज्ञानी जमदग्नि तपस्या सारी भाग नहीं तो
डाकिदेले ज्ञानी जमदेवी कहले रेणुका तुम दुई भूणी कथा तुम भगनी सोनिका को कह अर्थ मु पूर्ण कर आश्चर्य हो गले रेणुका कहले मो स्वामी जन ज्ञानी मो स्वामी जन सन्यासी मो स्वामी जन साधु मो भगनी आसी संतान आशार हेले एपटे मो स्वामी कहते मो भगनी आस्था पूर्ण करेंगे सन्देह पड़े आज हाथ पशनी रेणुका कहले स्वामी आपण कौन कह चाहते ना रेणुका शुण तुम भगनी आसी सन्तान टीए पुओ टीए तुम भगनी की कह आम आश्रम किसी दिन रुह रही कौन पाई कह मो कथा टे बुझा चेस्टा कर आशा मु पूर्ण करी ना कौन कर कि ना मुझे यज्ञ करी यज्ञ करे यज्ञ चरुअर्ण को तुम भगनी जदि पान करे निश्चय जे राजमाता हे कि यज्ञ मुझे आज रेणुका डाकिदे कह स्वामी तुम्हें कि यज्ञ कर सप्तांग यज्ञ आयोजन कर सप्तांग यज्ञ नाम टी भैव हाथी ब्राह्मण डाकी भोला भोला यज्ञ पाठ करी ডাকিদেলে রেণুকা সৌনিকা তুম ভগ্নী আসুচি আশা পূরণ হব মু সপ্তাঙ্গ যজ্ঞর আয়োজন করি সাত জন সাধু সন্ত মুনি ঋষি ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করি সাত দিন ধরি মো আশ্রমরে যজ্ঞ চলিব সপ্তম দিনর পূর্ণ হউতি চরুয়ণুকু পান কলে তুম ভগ্নী আজ্ঞা পুত্রবতী হবে বাপা সময় নেলেনি যজ্ঞর আয়োজন চালিলা সপ্ত মহর্ষি সপ্ত ব্রাহ্মণ কু নিমন্ত্রণ করাগলা ইয়ে তো হচ্ছেন বাপা ব্রাহ্মণ সন্তান জ্ঞানী দম্পতী যেত সপ্ত ঋষি বাপা যজ্ঞর আয়োজন করছেন বেদ পাঠ চালিছি মন্ত্র উচ্চারণ চালিছি ধর্ম কি বাপা ধোঁয়ার শিখাটা আকাশ মার্গ কু ধীরে ধীরে উঠবাক লাগিছি ঠিক সপ্ত দিনরে যজ্ঞর চরুয়ণ আজ্ঞা প্রস্তুতি হলা এ যজ্ঞর চরুয়ণ যেতবে মো বাপাল প্রস্তুতি ভাইছি সপ্ত মহর্ষি বসিছেন দুই ভাগর বাপা চরুয়ণ প্রস্তুতি ভাইছি গোটিয়ে এক ভাগ হচ্ছে পশ্চিম ভাগ দ্বিতীয় হচ্ছে পূর্ব ভাগ পূর্ব ভাগ চরুয়ণ কু আজ্ঞা চাহি দিয়েছেন আজ্ঞা সপ্তাঙ্গ ঋষি মানে সাত জন ঋষি মানে চাহি দিয়েছেন বাপা চিন্তা কলে ইয়ে পূর্ব ভাগ চরুয়ণ কু যে জননী মা যে মা যে নারী ভোজন করিব সে জনে ज्ञानी सुंतान पश्चिम भाग चरुअर्ण को जो नारी पान कर राजकोलार सुंतान जन्म ये दुई भागर चरुअर्ण को बापा रंभा पत्र की कदमी पत्र रे भरी ज्ञानी जमदग्नी की बुझाई आज्ञा देदेले ज्ञानी जमदग्नी एक जानले बोले मोर ज्ञानी सुंतान आवश्यक सौनिकार राजकोलार सुंतान आवश्यक सौनिका को नदे आज्ञा तपस्विनी रेणुका निकट में पहुंची गले ज्ञानी जमदग्नी बुझाई देते रेणुका सौनिका राति पाही प्रभात समय महेन्द्र समय सरज नदी की बापा स्नान करने को बालीपठार चरुअर्ण चरुअर्ण को बापा भोजन करेंगे रेणुका भोजन करेंगे पूर्व भाग चरुअर्ण सौनिका भोजन करेंगे पश्चिम भाग चरुअर्ण किंतु बापा व्यस्तता हो पड़ती अंतर बापा मनरे व्यस्त कहार राजाणी सौनिका मुमि चरुअर्ण को भोजन करी मुमि सुंतानर जननी हे एक को चिंता करी सोनिका आगे स्नान करी कूल उपर को उठी आसी किए पूर्व भाग किए पश्चिम भाग न जाणी न शुणी पूर्व भाग चरुअर्ण को ये सोनिका बापाल भोजन कर चलिले किसी समय पर रेणुका सरज नदी में स्नान सारी कूल उपर को उठी आसी देखीदे भगनी तार भोजन कर পূর্ব ভাগ চরুয়ণ দেখি দে আশ্চর্য সমাজ পড়িলে রেণুকা দেখলে সোনিকা আগুয়া ইয়ে কোন কোন সোনিকা চরুয়ণ কু ভোজন করিবা পূর্বরু সরুটিয়ে মতে পচারি পারলুনি তো আজি ইয়ে কোন কলু সোনিকা কৃষ্ণা সন্তানর জননী হইলু লো তা পূর্বর পর জানিবা দরকার অর্থ জ্যেষ্ঠা অগ্নি চারি চারিটা সন্তানর জননী বই সারিছি তারপরে পূর্ব ভাগ চরুণ কু ভোজন করিবা পরে তো ভগ্নি আজি কাহিকি রহিকি পড়ুছি তু জানিছি সৌনিকা তো সন্তানর জননী বইলু মু জনে মা হিসাবরে জননী হিসাবরে কহুছি
चारि सतान को पाइला मो स्वामी अशांति गति कर मो स्वामी गोटे ज्ञानी पुत्र आवश्यक सौनिका एकता जदि मो स्वामी ज्ञानी सम्बन्धी जारी दिखती तपस्या साधनार सृष्टि को प्रलय करदे भजन करवा पूर्व थे तो मत पचारि पारुनि तु कौन कल सौनिका आज काकोटी विनती हुई सौनिका डाकदेला ज्येष्ठा भग्नि रेणुका कहला हे मोर ज्येष्ठा भग्नि मु तो भूल करदेची वर्तमान परिस्थिति मु करी कौन रेणुका डाकिले सोनिका तू मत कथा दिए एक मो दुई भूणी को छोड़ा देमी सत्य सत्य त्रिवार सत्य कले रेणुका आज्ञा भोजन कले पश्चिम भाग चौरवर्ण बापा सोनिका भोजन कले राजरानी आज्ञा पूर्व भाग चौरवर्ण परिस्थिति जटिल को बापा घटिगला चारि चारिटा सतान जननी राजकुलार सतान पाई तपस्वी रेणुका किंतु स्वामी तांकर ज्ञानी तपस्वी साधु सन्यासी किंतु आशा पूर्ण होनी राजरानी सोनिका पूर्व भाग चौरवर्ण को भोजन करी मो बापा तले राजवाटी को चली गले एक समय भगवान बापा नीला भगवान खेला ठीक गोटाए समय दुई भगनी हेले सुध स्नान एक समय दुई भगनी हेला जा अंत सत्ता की गर्भर उदय जड़े राजवाटी जड़े आश्रम बापा दुई भगनी ते एक समय बापा अंत सत्ता ठीक यही समय दिन पर दिन बीती चली समय क्रमश बढ़ी चली दस मस दस दिन माँ ये पूर्ण आश्रम गोटाए सतान जन्म होपा राजवाटी गोटाए सतान जन्म हो प्रथम देखा ज्ञानी जमदग्नि पत्नी रेणुकांकर पंचम गर्भर कौ सतान भरा पुष्ट अवतार चारि राम किए आसुंच पंचम गर्भरे प्रथम देखा आज्ञा रेणुका गर्भ को कवि मंजुल कृष्ण प्रसाद बस गोपाल रेणुका गर्भ सूत जात जमदग्नि देखीदे मन बापा दुख भरी गला कह मो भाग्य ज्ञान नेत्र ज्ञान बल जानीदे मो कर्मरे ना मु जने ज्ञानी ज्ञानी सतान रिता हबार मो भाग्य दुख प्रकाश कले पंचम गर्भ्या भगवान परशुरा राजकोला कहला रे मुंड विधाता तु यह कलु शेष पुणी पंचम गर्भर मोर गोटे सतान जन्म है राजकोला आशा ही आशार मोर रहीगला निज भाग्य को आदरले लमा भगवान परशुराम ये पंचम गर्भर आश्रम मध्य जन्म होती सेपटे राजवाटी पितामाता चाहते ज्ञानी जमदग्नि कही बापा चरुवर्ण बदल हो मान पुत्र हे बदल जी चाहूला राजकोला सतान सेपटर जन्म है किए
ये चाहूंगा ज्ञानी सन्तान पुणी पुनर्बार पाइले पंचम गर्भ आज्ञा राजकोलार सन्तान तेणु सेपटे चाहूंगे राजकोलार सन्तान पाउछंती कौन कोला ये सौनिका ये गर्भ ये सुस्त राजकोलार पु चाहूंगे किए ना राजा गाधी आउ राजणी सुनिका ज्ञानी पुत्र टे बापा जन्म हेले किए विश्वामित्र किंतु ज्ञानी पु चाहूंगा आज्ञा जमदग्नि ना पाइले राजकोलार राजा गाधी चाहूंगे बापा राजकोलार सन्तान पाइले ज्ञानी चरुवर्ण बदल पुत्र भाग्य कुआ जोरी बापा ज्ञानी जमदग्नि राजकोलार सन्तान भगवान परशुराम धरापृष्ठ अवता भगवान को पाइए बापा चिंता कले जो भाग्यर अच्छी पांचटा पुत्र जाक मोर राजकोलार तथा एम को मुझे बढ़ेगी तुम पिता हिसाब से ज्ञानी जमदग्नि पांच पुत्र को स्नेह ममतार बढ़ेले भगवान परशुराम धरापृष्ठ अवतार एपटे बापा विश्वामित्र बढ़ुंट एपटे बापा भगवान परशुराम आश्रम बढ़ुं पांच पुत्र बढ़ाक लगिले धीरे धीरे जो सात पांच वर्ष पिला ज्ञानी जमदग्नि नहीं गुरुकूल आश्रम पांच पुत्र को बापा रखिले कहीं विद्या अध्ययन करेंगे गुरुकूल आश्रम पदे बापा पाठ पढ़ा बेस समय नेबनी मात्र सुनके दर्शन गुरुकूल आश्रम पुणी ज्ञानी जमदग्नि साधु पांच पुत्र विद्या अध्ययन करेंगे गुरु शिक्षा ग्रहण करेंगे गुरुकूल आश्रम क्यों विद्या बापा पाठ पढ़ा जाए ठाकुर अनुकूल चंद्र बापा सुंदर बाणी से निहा ठाकुर बापा लोग कौन कही पाठ जगे बोला पाठ जगे पढ़ीबू सदगो सदगुरु से भी मुंडुला का पुत्र गुरु निकट बापा लो पाठ पढ़ु विद्या अध्ययन कर मंदिर जो पांच पुत्र गुरुकूल आश्रम मो माँ मैंने पाठ पढ़ुपटे ज्ञानी जमदग्नि बापा धीरे धीरे बापा पिला छाड़ बापा आश्रम तपस्या आगमन कर किसी दिन चलीगला गुरुकूल आश्रम पाठ पढ़ी भगवान परशुराम कैलाश कंदर कैलाशपति देवदेव महादेव को गुरु रूप से वरण करने कैलाश कंदर आज्ञा भगवान परशुराम रही बापा भगवान शिव ठाकुर बापा जितेबाला बापा परशुराम है पट शिष्य कैलाश कंदर रही आज्ञा परशुराम चारिपुत्र रही गुरुकूल आश्रम
किछि दिन परे ज्ञानी जमदग्नि पिला मानक निकट को बापाल पत्र लेखि पठेले काहेकि ना आज राति पाहिले आसंता काली मोर पितृ श्राद्ध दिवस मु चिंता करी ज्ञानी जमदग्नि गोंडा मांसर मु श्राद्ध कराइबि किंतु मोर गोंडा मांसर आवश्यक अछि तबे गोंडा मांस मत आनी दबो किए मम पांच पुत्र मत आनी दबो गुरुकुल आश्रम को बापा कैलाश चंद्र को पत्र लिखा गया पठाई देले बापा ज्ञानी जमदग्नि पितृदेवंकर संवाद पाइबा मात्रे पत्र पाइबा मात्रे बापा गुरुकुल आश्रम चारिपुत आज्ञा पहुंची गले पितृदेव ज्ञानी जमदग्नि को पादर बापा साष्टांग प्रणाम कले भक्ति प्रणाम चारि पुत्र ये प्रणाम कर ज्ञानी जमदग्नि देखीदे कले जश श्री हो पुत्र मैने बलिराम बलिराम नीलराम रघुराम तुम्हें चारि भाई आसिल परशुराम कहीं परशुराम कहीं पितृदेव चारि पुत्र को पचार समय ठीक यही समय माँ पुत्र परशुराम आसी पिता पद प्रणाम कले विजय भव पुत्र पांच पुत्र प्रणाम करी हस्त को जोड़ी दले पिता पादरे चरण हस्त जोड़ी डाकी दले पिता हटात समय कौन आम पांच भाई को निमंत्रण कर डकैले कौन हटात डकैले आश्रम ज्ञानी जमदग्नि पिला मानक निकट रे कहले कहले पुअरे तुम मान को डकेबार कारण जो कथा शुणिले तुम मैंने खुशी हब आनंद हब ना आज राति पाहिले आसंता काली मो पितृ श्राद्ध दिवस मुझे तुम मान को डक मु पिता श्राद्ध कराइबी सत कि मु चिंता कर गंडा मांसर श्राद्ध कराई मोर गंडा मांसर आवश्यक अच्छे मत गंडा मांस आनी दब किए तुम पांच भाई मत गुंडा मांस आनी दब पांच पुत्र एक शुणी आनंदित राति पाइले आसंता का प्रभात समय निघंच अरण्य मध्य गुंडा शिकार कर पिता निकट पहुंचाई देव पांच पुत्र को बापा ये संवाद देवापर ध्यान दे पत्नी रेणुका डाकी दे रेणुका पांच पुत्र गुंडा मांस पाई आसंता का जी किंतु पिला माने बोला परे श्राद्धर पूर्व विधि कार्य आम सारी दबा धीरे धीरे राति पाई महेन्द्र समय बापा राति पाइबा मात्रे पांच पुत्र आश्रम विदाय बाहर गुंडा शिकार किंतु जो पिला माने चली जाइछन्ति पितृदेव ज्ञानी जमदग्नि डाकिछन्ति गोटाए कथा ध्यान रखिबो पिला माने पुत्र माने सुनो गुंडा मांस आणिबो सत मध्यान पूर्व गुंडा मांस आसिबो आश्रम पहुंचा दरकार मु गुंडा मांस श्राद्ध कराइबि पिला माने चली जिबा परे पत्नी रेणुका को आज्ञा ज्ञानी जमदग्नि डाकिले रेणुका पिला माने गुंडा मांस आणिबा पूर्व प्रत्येक श्राद्ध रे पूर्व विधि होछि द्वादश अर्क को जल तर्पण करिबा आमे पति पत्नी दुई जन सरोज नदी में स्नान सारी द्वादश अर्क को जल तर्पण करिबा स्वामी स्त्री दुई जन बापा सरोज नदी में स्नान कर स्नान सरी जा ज्ञानी जमदग्नि अंजुली करिबे अंजुली रे पत्नी आज्ञा जल ढाबे से ही जल रे बापा ज्ञानी जमदग्नि बापा अर्पण करिबे सूर्य देवता को बापा जल अर्पण करिबे जो ज्ञानी जमदग्नि आज्ञा स्नान सारी बापा अंजुली कर ठीक यही समय पत्नी रेणुका जल ढाल अंजुली रे जल ढाइबा समय ज्ञानी जमदग्नि द्वादश अर्क सूर्य देवता को बापा मंत्र उच्चारण कर पाठ कर केमिति बापा तर्पण कले बोले हे सूर्य सहस्रांशु जगराते जगत पत्र प्रथम अंजुली सूर्य नाम मंत्र उच्चारण कर द्वादश अर्क द्वितीय बार अंजुली कर द्वितीय बार अंजुली कर बापा पत्नी दोल ढाई बोले जब्बा कुसुम सखाते दर्शक बंधु
केमिति लागिला हमर ए कार्यक्रम जदि आपन मानको हम कार्यक्रम दि भलो लागु थाय तबे नुवा नुवा कार्यक्रम देखे पई हम चैनल को लाइक शेयर आ सब्सक्राइब करबा को भूलिबेनी। रहू छी, नमस्कार।